राम राम भाइयों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान का रेंटर पर। भाइयों आज अपन नई वीडियो लेके आए दीपक। क्या है भाई बता भाई, सामान रखा कैंपिंग के लिए जा रहे हैं उत्तराखंड। लगाओ कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड जा रहे हैं भाई। आज जा रहे उत्तराखंड में, देखते हैं कहीं जाकर डेस्टिनेशन ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी पहले, जहाँ पे कैंपिंग हो सके। हम गाड़ी के अंदर कैंपिंग करने वाले हैं आज रात को, हम गाड़ी में स्टे करेंगे भाई, मजा आने वाला काफी। और भाई रात को सब एंजॉय लेंगे, ठीक है, बने रहो सब। और भाई सामान दिखाते हैं अभी आपको, क्या क्या हमने सामान रखा कैंपिंग के लिए, क्या क्या जरूरी है। भाई हम पहली बार कैंपिंग कर रहे हैं, हां कुछ सामान थोड़ा बहुत कम रह सकता है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे पूरा सामान लेके चलेंगे। हां लेकिन खाना बनाओगे हम अपना देसी तरीके से, कोई सिलेंडर नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं अपना लकड़ी पर खाना बनाओ, लकड़ी चुके जाके खाना बन जाएगा, ठीक है। और भाई हम भी अभी आज तक कैंपिंग नहीं करी, हम भी पहली बार जा रहे हैं कैंपिंग में, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं सामान, क्या क्या जरूरी सामान है क्या नहीं। चलो देख लो, ये धर लिया हमने एक कैंपर छोटा सा पानी के लिए, हम दो आदमी हैं इसमें। भाई हमारी प्लेट, ये पूरा डोंगा सेट सा क्या बोलते हैं इसको, भाई दिखा दे। चलो कोई बात, चलो इसमें खाने की प्लेट प्लेट है, और भाई प्लेट तो इसमें है, और एक ये प्लेट है स्टैंड से मेरी मेज, ये मेज है टेबल से खाना रखना है, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड सेटअप है, रहते रहते में बैठे जा बिछाने के लिए, बिछाने के लिए ये पानी वाणी अपनी इमरजेंसी बोतल, और ये टेंट के लिए है, ये टेंट के लिए गड्ढे कवर यूज करेंगे, देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। भाई टेंट है नहीं, इसको यूज करेंगे, काफी बढ़िया काम करेगा, देख लिया। और भाई और एक भाई रखेंगे अभी मैगी वैगी बनाने के लिए डोंगा सा फ्राइदान, कुछ फ्राइदान और बताऊंगा जो भी होगा। और चलो भाई अगली वीडियो में और बताते हैं अभी, इसमें देखते हैं अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान करंट। तो भाई जैसे हमने आपको बताया था कि हम परफ्यूम मार लो भाई पहले तो भाई हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं ऋषिकेश में, और एक रात स्टे करेंगे कैंपिंग से खुद ही, पहले ऐसे कर लेंगे। तो अभी हम घर से चल दिए भाई, अभी गली में ही है वैसे तो, लेकिन अभी रोड पर आगे अब चल दिए हम, जाने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, 3-4 घंटे 150 किलोमीटर है भाई यहाँ तक। हाँ 160 किलोमीटर है भाई लोकेशन। देखिए हमने फूल पत्ती देखी भाई, बढ़िया लगी पत्ती, फूल पत्ती है, पता नहीं फूल है नहीं है वहाँ पे, लेकिन नाम फूल पत्ती है। तो भाई पत्तियाँ कुछ और है, फूल पत्ती है सर, तो है तो वही। हाँ तो करीब करीब 160 किलोमीटर है भाई, और अभी 4 घंटे लग जाएंगे जाने में। तो अभी चल रहे हैं देखो हम, अभी 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 सिर्फ 2 ही मिनट भी घर से निकले, अभी चल रहे हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको कैसे कैसे जाएंगे और रास्ते में क्या क्या होगा, और ठीक है भाई। भाई रुड़ की आ गए और गाड़ी वॉश करवा रहे हैं भाई, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी गाड़ी, देख सकते हो आप, तो गाड़ी वॉशिंग पर लगाई अभी, रुड़ की है फिलहाल, चलेंगे थोड़ी देर में वॉश करवा के, ठीक है भाई। देखो पानी भी लगा दूँ भाई गाड़ी, दोनों गेट करना इसको, बस टाइम और 10 मिनट में हो जाएगी है, 10 मिनट हर गाड़ी में। तो भाइयों अभी हरिद्वार रोड पे है, हाईवे पे है, देखो अभी जा रहे हैं, देखो अभी यहाँ से बता रहा 49 किलोमीटर, चल तो हम 12 बजे के रहे, बीच बीच में रुक रहे, अभी बीच में बता था मैं। हाँ तो अभी थोड़ा सोच रहे कि ठंडा बंडा ले ला कुछ रास्ते में से, 1.5 घंटे का टाइम और दिखा रहा, 1.5 घंटे का टाइम दिखा बाद पहुंचेंगे भाई, फिर वहाँ जगह शूट करेंगे बढ़िया वीडियो। तो चल रहे हैं भाई, अभी अपडेट मिलती रहेगी आपको, ठीक है। पहाड़ के पीछे मुड़ा रास्ता है, इस साइड भी पहाड़ है, एक नई पहाड़ है, तो देखे भाई तो मैं दिख रहे पहाड़ कहीं भी बैठे हट रहे भाई सारे डीपर में हर रहे, सब डीपर में हर रहे भाई, स्कूटी वाला डीपर में हर रहा भाई, ये सब ग्रुप है घूमते फिर रहे। रात को मजा आता है इस पर चलते, देखो भाई लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, कहीं झूले हैं यहाँ तो,
चलेगा पर यहाँ थाम सिंह कहीं गेट हो यहाँ को चलते हैं रख खुला है तो फिलहाल रात को माहौल बनाए तो दिन में के लाइट जला पाए वापस आऊंगा ना अरे पागल दिन में लाइट नहीं जलती अच्छा हां तो भाई खड़े होकर खा देंगे ना लो भाई यार राम जुल्ला देख लो दिखाते हैं रात का सीन है बड़े लगती पर बेहतरीन आगे दिखाते हो ले जाकर ना भाई देखो आदमी कहाँ लिया तू? मैं तो गड़े लड़का अच्छा डाइंग कुकर यार अच्छा डाइंग कुकर उल्टे पेड़ी भी टूटी फूटी सी है पेड़ी भी टूटी फूटी सी है जिन दो चार पर चढ़ जाए उधर जाए भाई रहना पड़ जाएगा हाँ देखो भाई जनता पब्लिक है रे भीड़ ताऊ भी ना भी धोती पहन ले तो कुत्ता का दिखे ताऊ पी का घूम रहा है ये भीड़ है ओ भाई साहब दिस लो भाई लक्ष्मण जुल्ला लक्ष्मण यार आम है नवीन पता मैं है वो पता नहीं कौन सा जुल्ला पर जुल्ला जरूर है राम जुल्ला होगा यू लव यू हां देखिए भाई क्या शानदार है रहा यार इधर देखो गणे सैल खड़े गणे पिछे को देख भी ले मजा फूला यहाँ है नहीं अंग्रेज बहुत है रे यार दीपक अंग्रेज कुछ ज्यादा ही नहीं है पापा पे आई हां किस मार रहे हो आप हां अभी देख लेंगे आज बस यार क्या कह रहे हो ये स्कूटी पर स्कूटी वाले ज्यादा भीड़ कर रहे हैं अब आराम से लगो घूम लिए जिस चीज के लिए वो काम करते पहले कैंप होगा पहले बताया जी तो मतलब थोड़ा झूला दिखाना था दिखा लिया हाँ जिस गाइडर गाइडर ले घूम रहे अंग्रेज को यार दीपक कैंप करना है तो पर तेरे वहाँ कार्ड ढूंढ लगे लकड़िया रोटी बनानी भी तो भाई थोड़ा लेट हो गए प्रोग्राम यार हम यहाँ लेट हो गए थोड़ा सा पर कोई नहीं दिखाना भी जरूरी है जब इतनी दूर आए अंग्रेज जो कि तो कह रहे हैं
अरे तो अंग्रेज इतने घूमने आए बाहर देश में, हम भी तो जैसा गए, लेकिन जरूर पा जाता हूँ। डॉलर मजबूत है, डॉलर मजबूत है, हड़वा पड़ जा रही है, मजबूत हम भी चल रहे हैं। चल रहे हम फुल से भाई, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है फुल चट्टी, चढ़ाई बहुत है भाई, गाड़ी में तो खैर पता नहीं चलता। हाँ ये टूरिस्ट है बाहर से आए घूम रहे, इस टाइम पर टूरिस्ट बहुत मिलेंगे भाई आपको यहाँ पे, और थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम है तो मतलब भीड़ बहुत है, पर लेकिन जितने क्राउड के टाइम पे भीड़ होती थी भीड़ है नहीं। खैर देख सकते हो जैसे विदेश में आगे हो गई, क्योंकि दो तरीके की फीलिंग आ रही है, एक तो भाई लाइट वाइट मतलब पूरी चहल महल है, होटल वगैरह बहुत है यहाँ पे, और दूसरा अंग्रेज कुछ ना कुछ मतलब मैगी अच्छा। भी देख ले कुछ ऐसा मैगी पैक, हां यार मैगी यहां तो मैगी मिल सकता है, यहां गेट पर रुक कैसे मारो तो करके पकड़ो उधर, शाबाश लिया 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 बैठ दो भाई, गाड़ी में बैठ दे भाई, गाड़ी भाई अपनी गाड़ी खड़ी यहाँ से, वो भी देखते हैं मैगी लेंगे, छोटे पैकेट मिल रहे यार मैगी के, बड़े नहीं मिल रहे, लेकिन हमें बड़ा चाहिए, तो अभी मैगी लेने के लिए चल रहे। देखो भाई बिस्किट वगैरह भी है, बिस्किट है घर से लेकर आए हम, लेकर आए घर से बिस्किट, मैगी लेंगे कुछ लेना मैगी। चलो भाई आपका देखते हैं, गाड़ी रोड पे खड़ी मोड़ पे खड़ी, यहाँ से कभी भी टक्कर मार जा, इसलिए डीपर ऑन रखे थे इसके। चलो चलते हैं भाई, मिल तो गई 4 मिली है छोटी है, नहीं बड़ी मिल रही, बड़ी कोई बात नहीं, 4 तो होगी 4 तो बहुत है ना, ना वो भी लेना, और सब घर से लेगा ये बिस्किट वगैरह सब, ठंडा गाड़ी में ही है भाई, अंधेरा हो गया, चल तो हम 1 बजे के रहे अभी कोई मतलब ज्यादा लेट भी नहीं है, लेकिन ये है कि अंधेरा हो गया, 1 बजे के चल रहे पर काम ही गया, मैं कैंपिंग ही काम है, पर कोई बात नहीं, पूरी रात अपनी है, जो काम करना हो करके रहेंगे हम। देख सकते हैं भाई आप मोड वर्ड ट्रैफिक बहुत है भाई, नहीं मोड भी बहुत खतरनाक ही है, ये थोड़ा जा थोड़ा डंगा देखो, तो फिर आंख पे लाइट तो पड़े है, लाइट भी पड़े और फिर मोड भी है, तो थोड़ा देख के चलना पड़े है, फूल पत्ती चट्टी पता नहीं कहां मिलेगी हमें, तो आज चट्टी अभी यहां से फूल से बैठ दूं मैं, अभी यहां से 6 किलोमीटर बता रहा अभी, अभी टाइम बता रहा 16 मिनट, हाँ चले जाओगे भाई, पहुंच गए फूल चट्टी, लो भाई फूल चट्टी पहुंच गए, रास्ता नीचे को, और भाई ये रास्ता देखो थोड़ा सा मतलब ऑफ रोडिंग टाइप है थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही खराब सा रास्ता है, आराम से चलो, आराम से चल, गड्ढा भी है। तो भाई हम फूल चट्टी पहुंच गए, अब भाई ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो नेक्स्ट व्लॉग भाई कल ही आएगा, उसमें हम फूल चट्टी में जो स्टे किया हमने गाड़ी के अंदर कैंपिंग करेंगे वो सब दिखाएंगे, तो राम राम भाइयों, जय हिंद।